दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्रेट इंडियन कीड़ा की बैंकिंग सीरीज में। आज हम बात करेंगे डोरमेंट अकाउंट के बारे में। क्या होता है ये डोरमेंट अकाउंट? अगर आप अपना खाता एक साल या उससे भी ज्यादा समय से उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, मतलब कि उसमें ना तो आप पैसे जमा कर रहे हैं ना उस खाते में से पैसे निकाल रहे हैं, तो वो खाता आपका बंद मतलब डोरमेंट हो जाता है। पर अब जो उसमें बैलेंस है उसका क्या होता है? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है। जो उस खाते में बैलेंस होता है वो उसमें वैसे का वैसा ही रहता है, और जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी उस अकाउंट में आता रहता है। अगर उस अकाउंट में आपके गैस की सब्सिडी आती है तो वो भी आती रहती है। लेकिन आप उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना तो आप उस अकाउंट से अपने पैसे निकाल सकते हैं, ना उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, ना ही किसी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना ही आप उस अकाउंट के लिए चेक बुक और एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना डोरमेंट खाता फिर से एक्टिव कराना है तो आपको क्या करना होगा? बहुत आसान है। आपको बैंक जाना होगा और वहां जाकर के आपको केवाईसी फॉर्म और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और आपका डोरमेंट खाता फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन इस बार आप अपने खाते में कम से कम हर 6 महीने में एक ट्रांजेक्शन जरूर करिएगा और अपने खाते को डोरमेंट होने से बचाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको हमारे हर अपडेट मिलते रहे, और हमारा वीडियो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।